अच्छा बड़े टेस्ट बनाया और आपके सामने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 में पूरे एनर्जी के साथ खिलाने के लिए एकदम तैयार है। क्या है? मैगी का मैजिक। आप दिल्ली में है, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई मैं आज आया हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, जो कि भूखड़ लोग हैं जो खाना पसंद करते हैं उनके लिए भाई ये जन्नत होने वाली है। और अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। तो भाई ये है 12th इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। सो भाई टिकट का प्राइस होने वाला है 130 रुपीज़ एंड इसके अंदर आपको खाली एंट्री मिलेगी और यहाँ पे हर एक तरह के हर एक कोने कोने स्टेट से आया हुआ है फूड। कर ली है टिकट, जो मुझे पड़ी है 130 रुपए की पड़ी है और जिसका जो टाइमिंग है वो भाई 12:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। और भाई अनफॉर्चुनेटली आज इसका लास्ट डे है, आज है संडे। तो भाई फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना और क्या क्या चीज़ें होने वाली है सब दिखाता हूँ आपको। और गाइस जितनी भी ये लाइन स्टॉल देख रहे हो ये पूरे वेस्ट जोन की है और यहाँ पे भाई इन्होंने डिवाइड किया हुआ है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में। तो भाई ऐसे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके यहाँ पे खाना मिल रहा है। तो अभी ये सारा का सारा जो भी है वेस्ट जोन का है। सो गाइस आपको इस तरीके से कूपन लेने पड़ेंगे अंदर खाने के लिए, आप डायरेक्ट वहाँ पे नहीं कर सकते। और भैया की स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है, क्या बात है यार। सो गाइस ये है नॉर्थ जोन और यहाँ पे मिल रही है भाई टिपिकल। भैया क्या है ये? चावल के भरे। अच्छा तो ये कहाँ पे, मतलब किस साइड का? ये लखनऊ से है। अच्छा नवाबों का शहर लखनऊ। अच्छा क्या बात है कि आप दिल्ली में हैं। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का। वाह वाह वाह। और ये क्या, ये टिक्की है प्रॉपर? लखनऊ की मशहूर खोमचा चाट देसी घी से निर्मित लखनऊ की टिक्की। अच्छा वाह। ये देखो भाई कुरकुरे मोमोज, मखानी मोमोज, अफगानी मोमोज, बटर मसाला मोमोज, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मोमोज भी मिल जाएंगे। और भैया ये कहाँ का फेवरेट है? करोलबाग अफार मार्केट निर्मल मोमोज पॉइंट, 12 साल पुरानी दुकान। और ये हमारे उस्ताद आदरणीय बड़े भैया श्री मास्टर शेफ संजीव कपूर जी। अरे वाह 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 वाह। तो इन्हीं को गुरु मान के इतने सारी रेसिपी डिजाइन करी गई है, इतने बढ़िया बढ़िया टेस्ट बनाया और आपके सामने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 में पूरे एनर्जी के साथ खिलाने के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको पसंद आ रहा है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की वीडियो तो भाई की वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में लिखना जय हिंद जय भारत और फूड से प्यार करते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जय हिंद जय भारत। भाई इस फूड फेस्टिवल का ये एक स्पेशल अट्रैक्शन है भाई, ये भैया बनाते हैं ऑमलेट बड़े खतरनाक तरीके से, आग वाग लगा देते हैं। ये देखो भाई साहब, ये देखो आग लगा दी। तो भाई ये है बड़ा ख़तरनाक तरीके से और काफ़ी वैरायटीज़ के यहाँ पे ऑमलेट मिलते हैं भाई। ये देखो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ये ऑमलेट बनाए जाते हैं। वाह भाई वाह। सो गाइस इस तरीके की चीज़ें आपको मिल ही जाएगी जो ठंडी के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी होती हैं, जो गर्म दूध हो गया, जलेबी हो गई, रबड़ी जलेबी जैसी चीज़ें भाई आप खाते ही रहते हो ठंड के लिए। तो भाई ये देखो, तो भाई ये है सोया चाप। भैया कहाँ की फेमस सोया चाप है ये? चंडीगढ़ से। और भाई ये है रेट इसके सोया चाप 140। तो भैया ये क्या है आप बता सकते हैं? मेरे पास सर चिकन सूप है। अच्छा। और मैं फरोड़ा सूप है। अच्छा। फरोड़ा सूप के साथ में पाया भी मिलेगा आपको फरोड़े का। पाया? अच्छा। तो दिखा सकते हैं भैया एक बारी? और ये कहाँ का फेमस है? ये चंडीगढ़ का फेमस है सर। अच्छा तो आप दिखा सकते हैं एक बारी? ये बड़े अच्छे लग रहे हैं भैया, ये क्या है, किस चीज़ का है और कहाँ का फेमस है? अच्छा अच्छा तो भाई ये है मच्छी, जिसको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, बिना मसालों के साथ, बिना कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं डाली जाती और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये बनाते हैं इसको। और ये मच्छी है और यहाँ पे चिकन भी मिलता है और ये बिल्कुल चंडीगढ़ का सेक्टर 148 का फेमस है। तो भाई ये है कुल्लड़ पिज़्ज़ा मशहूर, भैया कहाँ का मशहूर है ये? लुधियाना पंजाब का। लुधियाना पंजाब का कुल्लड़ पिज़्ज़ा, वाह वाह वाह। देख सकते हो भाई कितना कुल्लड़ पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों मिलता है यहाँ पे। सो भाई ये है उड़ीसा का फेमस चिकन और अभी इस तरीके से फ्राई किया जा रहा है और यहाँ पे जो रेट लिखे हुए हैं भाई इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो चिकन सूप है 80 रुपए का, मटन सूप 100 रुपए का और स्पेशल है इनका भाई ये काजू लीवर फ्राई, कुछ अलग ही लग रहा है। क्या होता है भैया काजू लीवर फ्राई के अंदर?
इसमें कलेजी रहता है और मगज काजू इसमें मिला के बनाता है। अच्छा, तो भाई ये जो है ईस्ट साइड का है और मेघालय का है, ये क्या कहते हैं इसको? तो ये किस चीज का होता है? ऑयल से बनाया है, जिंजर गार्लिक अदरक और गार्लिक। अच्छा ठीक है ठीक है। सो गाइस ये वाला एरिया हमने पूरा कवर कर लिया और वो वाला एरिया कवर कर लिया, वो पूरा नॉर्थ का था, ये पूरा ईस्ट का एरिया है मेघालय साइड का। तो भाई ये देखो मैगी का पीछे प्रमोशन के साथ, मैगी मसाला से जो भी बनाया जा रहा है वो पूरा मैगी मसाला से बनाया जा रहा है। यहाँ पे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है भाई मैक्रोनी। ये देखो ये हमने मैगी मसाला इसमें इस्तेमाल किया है, मैगी का ठीक है। तो भाई ये सारा का सारा मैगी मसाला से बनाया गया जितना भी जो इन्होंने सामान बनाया। तो भाई ये देखो यहाँ पे मिल रही है कुल्लड़ पाव भाजी। तो भैया कहाँ की फेमस कुल्लड़ पाव भाजी है? ये संगम बिहार की, संगम बिहार दिल्ली की कुल्लड़ पाव भाजी मिल रही है देखो। और भाई ये जो कुल्लड़ रखे इस स्टाइल में यहाँ पे ये पाव भाजी मिली डाल के मिली जाती है। और क्या क्या रेट होने वाले हैं भैया इसके? सर यहाँ पे तो 200 के हैं। 200 की है। तो भाई ये देखो जबलपुर के मशहूर केशवानी चाट सेंटर। तो टिक्की बन रही है और इसकी चाट ही बनेगी बेसिकली बाद में। और ये छोले हैं। और भैया कहाँ से हो बेसिकली आप? एमपी से, जबलपुर से। जबलपुर से। तो ये टिक्की है जी सर। और क्या किस तरीके से बनाई गई कुछ बताओगे थोड़ा सा? मैं इसको उठाऊंगा, इसमें मिक्स करूंगा इसको। अच्छा टिक्की को मिक्स करोगे इसके साथ? ये क्या है? छोला है मटर। अच्छा मटर छोले के साथ। हाँ। तो इसमें कुछ ऑलरेडी स्पाइसेस डली होती हैं, अलग से डालते हैं। अलग से डालते हैं। क्या बन रहा है भैया? चिकन कोत्तू पराठा। चिकन? चिकन कोत्तू पराठा। अच्छा कोत्तू पराठा। तो ये कहाँ का है बेसिकली? स्टेट से है वैसे ये, मैं पूछ रहा हूँ। तमिलनाडु चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई का फेमस है ये? फेमस। अच्छा ये देखो साउथ जोन है और यहाँ पे बन रहा है बैम्बू के अंदर चिकन। और भाई इसका अलग ही टेस्ट होता होगा, बैम्बू के अंदर बनाया जा रहा है इसको, किस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन और ये प्रिपरेशन करने के बाद भाई बैम्बू में डाला जाता है और इस तरीके से इसको बनाया जाता है। भैया बेसिकली बैम्बू चिकन है ये, इसका कुछ अलग टेस्ट आता है खाने के बाद? थोड़ा अलग टेस्ट आएगा, आदिवासी टेस्ट आएगा। आदिवासी टेस्ट आएगा ठीक है। और भाई यहाँ पे मिल रही है आशा सोनी स्वीट्स की, उत्तराखंड की देहरादून की गर्मा गर्म जलेबियाँ यहाँ पे बन रही है भाई देख सकते हो। और ये देखो बना के यहाँ पे इस तरीके से रख दिया और रबड़ी के साथ सुख खाया जाता है। सो गाइस ये है बिहार की फेमस, भाई फेमस बिहार में तो मेन चीज़ चलती है लिट्टी अपनी। और ये लिट्टी भाई किस चीज़ के साथ खाई जाती है वैसे? चिकन के साथ खाई जाती है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई लिट्टी भी चिकन के साथ खाई जाती है। अभी तक तो मैंने सुना था वो जो भरते के साथ खाई जाती है उसको, चोखा जो होता है उसके साथ खाई जाती है, बट आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भाई मीट के साथ भी लिट्टी खाई जाती है। ठीक है तो भाई ये देखो इस तरीके से कुछ लिट्टी बनाई जा रही है यहाँ पे। और भैया बिल्कुल फुल उसका डो बना के उसके अंदर ये किस चीज़ का ये मिक्सचर होता है वो डालते हैं आप? ये चने की सत्तू है। चने की सत्तू की है, इसको दूध में गुथा गया है। अच्छा अट्टे को दूध में गुथा गया, पानी के नहीं, पानी ना के बराबर रहता है। ठीक है तो इसको इसके अंदर डालने के बाद भाई इसको लो करके इस तरीके से सेका जाता है इसको और फिर ये इस तरीके से लगती है एंड देन इसको खाया जाता है भाई चिकन के साथ। लिट्टी और चिकन का भाई कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है और ये सारे भाई लोग आए हैं बिहार से, राइट? पटना से। और भाई ये देखो बिहार की मशहूर पाव भाजी ये बना रहे हैं अपने स्टाइल में। मैंने काफ़ी अलग तरीके से खाई है, बट ये काफ़ी अलग तरीके से क्यों लग रही है आप कुछ बताएंगे? अलग तरीके से इसलिए कि हम लोग का अपना रहता है इसमें बनाने का कला। अच्छा सभी लोग तो पाव भाजी इसमें बने भी करते हैं, हम लोग का कुछ अलग रहता है जिसमें ज्यादा ऐसा मटेरियल नहीं रहता जिससे कोई सेहत के लिए नुकसान करे। अच्छा इसमें ज्यादातर भेजे का इस्तेमाल होता है, हम लोग तेल घी का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर करते हैं। अच्छा तो अगर डेली नाश्ते में यूज किया जाए तो लोगों को प्रेशर नहीं पड़े। हमारी पाव भाजी की यही खासियत है, यही कारण हम लोग को बिहार से या दिल्ली खींच लिया है। थैंक यू। सो गाइस अपनी पाव भाजी रेडी है, लेट्स टेस्ट इट। भाई टेस्ट करके बताते हैं किस तरीके से लग रही है। ले मैंने पकड़ा, तू टेस्ट कर। पकड़ा मैंने, तू कर ना। ओहो कांजी वड़ा है। कहाँ का कांजी वड़ा है? एक राजस्थानी आइटम है। अच्छा खिलाने वाले दिल्ली के, राजस्थानी में। ये भाई ये कांजी वड़ा है यहाँ पे और इसको चलो ट्राई करके देखते हैं। कितने रुपए पीस है, कैसा है बताओ? 80 रुपए का एक, 80 रुपए का एक पीस है कांजी वड़ा। नहीं तीन पीस है, तीन पीस है। अगर एक लेना हो तो एक ले लो, दो ले लो, उतने
इतना ही रेट है, तो नहीं ले रहे इसको। तो भाई देखो इस तरीके से कांजी वड़ा, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर है। ये तीसरा फ्लेवर है वो खत्म हो गया, ये वाला है लावा गाजर। अच्छा किस चीज के फ्लेवर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, फ्लेवर कौन कौन से होते हैं? होते तो बहुत है, अच्छा मिर्ची का और मूंग की दाल का, अच्छा गोभी का, जैसे जो बना बना अच्छा है, दो चार अभी तो गोभी को है। पकौड़ी क्या है भैया? ये गाजर का हलवा है, काफी अलग तरीके से लग रहा है, जैसे दूध वगैरह डाला हुआ है ज्यादा। हाँ जी। आप कहाँ से हैं भैया? बनारस से आए। कहाँ से? बनारस। बनारस बनारस का जो हलवा है वो यहाँ पे पेश किया जा रहा है और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या केसर वगैरह भी डाला हुआ है इसके अंदर? अच्छा, तभी इसकी जो कलर है काफी अलग तरीके से दिख रहा है। हाँ, और क्या क्या दे रहे हैं भैया आप? लाल पेड़े हैं ये, बनारस के लाल पेड़े। अच्छा, दही बड़ा है और ये है बनारस का दही बड़ा। वाह वाह। और ये कुल्लड़ में क्या देते हो भैया? अच्छा, एक बहुत यूनिक तरीके से भी ये डालते हैं गाजर के हलवे को, कुल्लड़ में डाल के दिया जाता है यहाँ पे। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, ये है दौलत की चाट। और भाई ये देखो इस तरीके से यहाँ पे इसको सजाया गया है और इस तरीके से भैया डाल के दे रहे हैं। भैया दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली की दौलत की चाट तो भाई फेमस ही है। तो भैया ये, अच्छा तो जो भैया जो चाट है ये काफी अलग तरीके से क्यों लग रही है देखने में? नाम चाट है स्वीडिश। अच्छा, दूध खोया। हाँ जी, दूध खोया कुचन से बनाई जाती है। अच्छा, ये सर्दियों में मिलती है अक्टूबर से मार्च तक। अच्छा, राकेश कुमार बालराम दौलत की चाट। ठीक है। स्वीट दौलत की चाट है भैया, स्वीट होती है खाने में भी। और देखो कितना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। 100 रुपए का इसका प्राइस है और कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल के दी जाती है। ये 200 का है तो इसके अंदर डालने के बाद भाई 200 की मिलती है। तो भाई ये है कश्मीर की स्टॉल और यहाँ पे मिल रहा है भाई कश्मीर का फेमस कावा चाय। भाई कश्मीर की फेमस चाय, ये कौन सी चाय है? नमकीन चाय। और ये है मीठी चाय और ये सत्तू। अच्छा, कश्मीर का होता है, किस चीज का बनता है? ये मकाई का और ये ड्राई फ्रूट इसके साथ मिला हुआ है। अच्छा, ये क्या चीज है ये बताएंगे आप? सर ये रोलर कुल्फी है। रोलर कुल्फी। अच्छा, तो भाई ये है रोलर कुल्फी, आप देख सकते हो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स लगा रखे होंगे आपने, है ना? ठीक है, स्टॉल है, जितना भी घूम लिया अच्छे से और जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सारी हमने कवर करी है, आपको दिखाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना भाई। एंड देखते हैं अभी और कुछ खाना है कि नहीं खाना, वो देखते हैं। एंड क्या खाने का मन हो रहा है भाई? चाय पीते हैं, अब ठंड लग रही है तो गर्म गर्म चाय होनी भाई। सर्दी का टाइम और चाय नहीं पी तो फिर क्या ही पिया। तो चलते हैं, पहले चाय पीते हैं। मैंने वहाँ पे एक तंदूरी चाय देखी थी, तंदूरी चाय पीते हैं। तो भाई ये देखो, ये है कुल्लड़ वाली चाय और भैया अभी यहाँ से मटकियाँ निकाल रहे हैं। तो भाई ये देखो किस तरीके से बन रही है भाई कुल्लड़ वाली, तंदूरी चाय से कहते हैं हम। और ये देखो, वाह, देखो पूरा धुआं धुआं मचा दिया भैया ने। और भाई जो इसका टेस्ट है ना, तंदूरी फ्लेवर भी आता है जब उसको पीते हैं। तो भाई कैसा टेस्ट है भाई चाय का? चाय तो टेस्टी है, बस थोड़ा मीठा कम है। मीठा कम है, अपना मीठा ज़्यादा पीते हैं। जो तंदूरी चाय है उसका जो फ्लेवर है ना कुल्लड़ का, हल्का हल्का मिट्टी जैसी जो स्मेल है ना वो आ रही है पीने के साथ, बहुत ही मज़ेदार लग रही है जो कि। चीयर्स। वाह, तो इसी बात पे चीयर्स। और भाई खाने वाने के बाद अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो सामने बिल्कुल पूरे जोरों शोरों से एंटरटेनमेंट भी मिलेगा आपको। तो भाई शाम को आए थे, धीरे धीरे रात होने लगी है, 7 बजे के आसपास टाइम हो चुका है और इतनी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई खाने की, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फूड दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हमने आपको फूड दिखाए। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करो इसी तरीके की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और भाई खाना खाने के बाद हाजमोला की यहाँ पे फुल ऐड हो रही है और